सभी सरकारी स्कूल खोलने के लेकर कई बार यहाँ पे बिहार बोर्ड ने दिए आदेश, बट अभी के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिसमें ट्वीट करके उन्होंने अंतिम रूप से फैसला लिए कि बिहार के सभी सरकारी स्कूल खोल दिया जाएगा और 11th का मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है। तो आइए वो लाइव प्रूफ के साथ आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या बोले हैं, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। कोविड महामारी आगे बढ़ने वाला है, घटने वाला है, ये तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और चिकित्सक मिल के तय नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाए, हम अपने विद्यालय खोल सकें और पहले की तरह पढ़ाई, क्योंकि खास तौर से प्राथमिक विद्यालयों विद्यार्थी शिक्षक से केवल पाठ ही नहीं सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। इसलिए हमारी कोशिश तो होगी कि विद्यालय खोले। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बिहार बोर्ड के शिक्षा मंत्री आनंद किशोर जी ने क्या बताया ये आप देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उन्होंने अंतिम रूप से यहाँ पे आदेश दिए हैं कि बिहार में अगस्त से खुल जाएंगे सभी स्कूल, पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय को खोल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है, ठीक है। तो पूरी चीज़ आपको पढ़ने के लिए और जानने के लिए यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ बता रहा हूँ, तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स में यहाँ पर देखने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं राज्य में पहली से दसवीं कक्षाओं तक के सभी सरकारी एवं निजी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय अगस्त 2021 के दूसरे सप्ताह से खुलने लगेंगे। यानी आपको बता दें कि अगस्त में जो है यहाँ पे अभी देखिए अभी जुलाई चल रहा है, जब मात्र अभी 10 से 15 दिन के बाद आपका स्कूल जो है बिल्कुल तरह से खोल दिया जाएगा, ये शिक्षा मंत्री ने बयान कर बताया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को ही ये बात बताई थी, यानी कल के रात में ही ये ट्वीट करके बताया था, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये था जानकारी। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपका जो है इंटर एडमिशन के लेकर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में आनंद किशोर जी ने क्या बोले हैं और क्या मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो जाएगा और किस स्टूडेंट का इस बार मेरिट लिस्ट में नाम पहले आने वाला है, तो आइए वो बात भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया जो है पूरी होने के बाद बिहार बोर्ड के द्वारा जो है इंटर के छात्रों का मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अभी ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया जो चल रहा है, जो कि मैं आपको बताए थे कि 3 अगस्त तक ये अप्लाई चलने वाला है, ठीक है, डेट बढ़ गया है। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं करवाएं वो भी करवा सकते हैं और यहाँ पर 3 अगस्त के बाद आपका जो है बिल्कुल तरह से यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। और किस आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा, किन स्टूडेंट का पहले होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं छात्रों की मेरिट लिस्ट के आधार पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, यानी छात्रों के मेरिट, छात्रों ने कितना अंक लाए हैं, किस मतलब परसेंटेज से वो पास हुए, इस आधार पर फर्स्ट यानी पहला मेरिट लिस्ट जारी होगा जिससे उनका जो है एडमिशन हो पाएगा। तो इस तरह से आज का जानकारी में यही था। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह बिहार बोर्ड से ताज़ा अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों, तब मतलब चूंकि यहाँ से आपको सारा चीज़ मिलते रहेगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।